सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में बनाने वाले कार्तिक आर्यन का फोटो, जो मैंने पहले बनाया अपने चैनल में, देखा होगा वीडियो में। सो वो पहले बनाया था, उसको मैं आज फाड़ने वाली हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल घटिया बन रहा था। इसलिए मैं मतलब जब फ़ोटो को गौर करके देखा तो बिल्कुल भी सही नहीं फ़ोटो थी, बिल्कुल पता नहीं कैसे बननी नहीं दी थी। हाँ, फ़ोटो ही कैसी थी जान दो, अब पता नहीं क्या कैसा था जान दो। हम दूसरी फ़ोटो बनाने वाले हैं कार्तिक आर्यन की, सो आपको अभी दिख जाएगी फ़ोटो। तो चलो उस फोटो को बनाते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको जनरल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। आपको यहाँ पे ड्राइंग के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होते हैं, तो जल्दी से जल्दी आके सब्सक्राइब कर दो। सो चलो बनाते। सो गाइज, आप सोच रहे होगे कि मैंने पेपर क्यों फाड़ा, अपनी ड्राइंग क्यों फाड़ी। सो इसलिए फाड़ी क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी, वो ड्राइंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए। तो अब हम ये वाली फ़ोटो बनाने वाले हैं, पार्ट बाई पार्ट कवर करने वाले हैं। सो गाइज, इसमें हम बिल्कुल पार्ट बाई पार्ट कवर करेंगे। इस पार्ट में हम पूरा फेस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, फिर अगले पार्ट में क्लोथ, फिर अगले पार्ट में हेयर बताऊँगी। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ले लेनी है 10B पेंसिल, कोई भी डार्क पेंसिल ले लेनी है आइस के लिए। और जिस तरीके से मैं वीडियो में बता रही हूँ, बिल्कुल लाइटली और सॉफ्टली शेडिंग करनी है। इस फोटो में बिल्कुल सॉफ्ट शेडिंग है। सो मैंने वीडियो को तो फास्ट कर लिया है, बट आपको शेडिंग बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल पेशेंट के साथ करनी है। और इस शेडिंग में बिल्कुल पेशेंट के साथ ही होगी ये शेडिंग बिल्कुल। और अगर आपकी पेंसिल दिख रही है, उसकी लाइंस दिख रही है, फिर भी आपको उसको प्लांट करते रहना है जब तक वो पूरी अच्छी तरीके से स्मूथ नहीं हो जाती स्किन। ये देख सकते हो, मैं ब्रश से बिल्कुल ब्लेंड करती रह रही हूँ। वीडियो में तो मैंने थोड़ा फास्ट कर लिया, लेकिन मैंने ब्लेंड करने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ शेडिंग चाहिए थी। फोटोग्राफ में आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके की स्मूथ शेडिंग चाहिए थी। फिर आइस के नीचे हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, बिकॉज आइस के नीचे थोड़ा सा टेक्स्चर है, तो उसको देंगे। एंड बाल वाल कवर करेंगे और थोड़ा सा और डार्क करेंगे। बिल्कुल फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग करनी है। तो चलो करते हैं। सो गाइज, अभी बारी आ जाती है नोज़ की। तो नोज़ को भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मूथली ब्लेंड करेंगे। और इस ड्राइंग में आपको लाइटली पेंसिल यूज़ करनी है, लाइक HB। तो मैं पूरी ड्राइंग में HB यूज़ करूँगी, ज़्यादातर फेस में HB यूज़ करूँगी। एंड फिर बाद में मैं थोड़ी सी डार्क पेंसिल लेके उसको डार्क टोन दे दूँगी, एंड थोड़ा सा इरेजर से रब कर दूँगी, जिससे जो लाइट का इफेक्ट और हाईलाइट पड़ रहा है वो अच्छे से दिखाई दे। सॉरी गाइज, वो थोड़ी फैमिली की आवाज़ आ रही है, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होगा। एंड बाय द वे, फिर बाद में दूसरी आईज पे भी हम वही, जिसके मैंने बोला कि दूसरी आईज में भी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इनके आईज बिल्कुल ज़्यादा काली नहीं है, फोटोग्राफ में आप देख सकते हो आईज थोड़ी सी ब्राउनिश में है, तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। और आईब्रो भी बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। मेरे आईब्रो थोड़े से डार्क हो गए थे, क्योंकि फोटोग्राफ में इतने डार्क नहीं है। एंड फिर बाद में दूसरे साइड का भी पार्ट हम कुछ इसी तरीके से कवर करेंगे। सो यू कैन सी डैट। एंड ये दूसरे साइड का पार्ट भी बिल्कुल हमें स्मूदी बनाना है, ये पूरा फेस बिल्कुल स्मूदी है, तो स्मूदी करते हैं। बस फटाफट से हमें बिल्कुल जिस पहले साइड में जिस तरीके से बिल्कुल स्मूद करा है, आपको फटाफट से नहीं करना है, जब तक ये स्मूद नहीं हो जाता तब तक उसको ब्लेंड करते ही रहना। वीडियो में तो फास्ट हो गया, क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा रही थी, बट मैंने रियल टाइम में बहुत ज़्यादा पेशेंस से ये फेस की ड्राइंग करी है। सो इसका अगला पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, जो कि है क्लोथ का, कल आ जाएगा। सो गाइस, कल इसका क्लोथ का पार्ट आ जाएगा, फोटोग्राफ में आप देख सकते हो जिस तरीके से। और फिर बाद में हेयर का पार्ट भी आ जाएगा। तो मतलब टोटल हमारी पूरी कुछ इस तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, टोटल तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने तीन पार्ट में डिवाइड करके बनाने वाली हूँ ये वीडियो, जिससे ये ड्राइंग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आए और आप भी अच्छे तरीके से बना पाओ। सो गाइस, बिल्कुल स्मूदली कर लिया हमने, अब हम फेस का टेक्सचर बिल्कुल स्मूदली करते हैं। तो चलो देखते हैं आगे का वीडियो। सो
सो गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मैं जो सिर होता है मतलब वहाँ पे लाइटली कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको लाइटली पेंसिल को कर देना है, एंड फिर बाद में बिल्कुल सॉफ्टली आपको ब्लेंड करना है। जब तक सॉफ्टली ब्लेंड नहीं हो जाता तब तक आपको यही करते रहना। आप अगर सॉफ्ट फेस बनाते हो, ये एक फॉर्मूला याद रख रहे हो सॉफ्ट फेस के लिए, कि मैं बिल्कुल जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता बिल्कुल तब तक ब्लेंड करते ही रहना करते ही रहना, और बिल्कुल हार्डली ब्लेंड नहीं करना, हमें सॉफ्टली ब्लेंड करना है। और सॉफ्टली वो हमें रिजल्ट देगा, सच में देगा, जैसे आपको फोटोग्राफ में देखने को मिल रहा है वैसे ही रिजल्ट हमें भी मिलेंगे, बट आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना होता है। एंड मैं फिंगर का भी यूज़ करती हूँ। सो गाइस ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल तरीके से इतने भारी भारी मटेरियल्स यूज़ करती हूँ, मैं फिंगर का भी यूज़ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों का जो घर के जुगाड़ चीज़ें हैं उनका भी यूज़ करती हूँ। सो गाइस अब लिप्स की बारी आ गई है। लिप्स भी इसमें ज़्यादा डार्क नहीं है, सिंपली ब्लैक एंड वाइट में जैसा है देख सकते हो। मैंने 2B पेंसिल का यूज़ करा है, एंड फिर बाद में कुछ इस तरीके से साइड साइड में शेडो दे रही है, एंड 2B पेंसिल का यूज़ करके, एंड फिर बाद में मैं इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट कर रहा हूँ। एंड फिर बाद में हम बनाएंगे बियर्ड, जो कि देख सको किस इस तरीके से। बियर्ड बनाने के लिए आप पेंसिल को बिल्कुल शार्प कर लेना, क्योंकि इसमें बिल्कुल शार्प पेंसिल की ज़रूरत होती है, और लाइट पेंसिल यूज़ करना। मेरे बियर्ड थोड़े डार्क हो गए थे, सो लाइट पेंसिल का यूज़ करना, एंड देखते जाइए। अब मैं थोड़ा सा इरेजर से हाईलाइट दे दें, फिर बाद में होंठ के नीचे भी थोड़े से बाल है उसको कवर करेंगे। एंड लेट्स, अब बियर्ड की बारी आ गई है। पहले मैंने मूंछों को बियर्ड कह दिया था, सॉरी। सो बियर्ड की बारी आ गई है। लाइटली पहले सारे बियर्ड्स कंप्लीट करेंगे हम, फिर बाद में थोड़े डार्क टोन देंगे, जो कि डार्क टोन है पिक्चर में देख सकते हो। पहले हम लाइटली टोन देंगे फिर डार्क टोन देंगे। सो हमने लाइट टोन तो दे दिया, अब डार्क टोन देने की बारी आ गई है, सो देते हैं। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा है, आई एम सो सॉरी। वीडियो में पता नहीं मेरी आवाज़ साफ आ रही भी होगी या नहीं, आपको समझ में आ रहा भी होगा या नहीं। सो गाइस देख सकते हो, अब हम उसके बियर्ड में वहाँ पे स्किन टेक्चर भी है तो वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं, एंड फिर बाद में जो डार्क टोन है वो भी हमने दे दिया है, और जो बेसिक लेयर है वो कर देते हैं, एंड जो हमारा फेस है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया। यू कैन सी डेट, मतलब इतने अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। एंड थोड़ा सा सॉफ्टली जहाँ जहाँ पे रिजल्ट बाकी अभी वहाँ वहाँ पे हम कर लेते हैं, एंड कंप्लीट हो गया हमारा फेस। गाइस हमने कुछ इतना कंप्लीट कर लिया फेस, यू कैन सी डेट इतना कंप्लीट करा है हमने। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्लोथ कंप्लीट करेंगे, एंड फिर बाद में थर्ड पार्ट में हम उसके हेयर कंप्लीट करेंगे, एंड देन हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। सो बाय गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को